मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 25 जनवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हम लोग यहां पे करने वाले हैं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे तो ज्यादा समय यहाँ पे नहीं लगने वाला है। सबसे पहले पेज पे जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पाकिस्तान से पिलग्रिमेज के बारे में। एक ही बहुत ही शानदार इनिशिएटिव रहेगा अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया तो। ये थोड़ा सा मामला पूरा क्या है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग है, मजेदार है और इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है जो हम लोग अपने एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वहां पर एक दो पॉइंट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डेफिनेटली मिल सकते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा पेज नंबर 7 से है मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ये देखिए आज का एडिटोरियल सेक्शन है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं सर इकोनॉमी के एडिटोरियल हम लोगों को समझ में नहीं आते, उसके बावजूद भी मैं आपको करवाता रहता हूं। चाहे 10% चाहे 15% 20% ही दिमाग में जाए, कुछ तो जाएगा। ना करने से अच्छा है थोड़ा बहुत कर लिया जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगले 2 महीने में 4 महीने में 6 महीने में जब से आपके इकोनॉमी के बेसिक्स कवर होंगे, थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना स्टार्ट करोगे, गूगल करना स्टार्ट करोगे, ये आर्टिकल भी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। मैं हमेशा आपको यही बात बोलता हूं, ईजी चीजें आपको आती हैं, इजी चीजें सबको आती हैं और इजी चीजें करने में हमें आसानी भी होती है क्योंकि इजी हैं। लेकिन जब हम लोग डिफिकल्ट चीजों को अवॉइड करने लगते हैं, लेकिन डिफिकल्ट चीजों को ही कंकर करना, उनको जीतना ही आपकी सक्सेस है। तो जो आर्टिकल आपको टफ लगे लेकिन एग्जाम के लिए रेलेवेंट लगता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, उस आर्टिकल पढ़े, उस आर्टिकल को ज्यादा फोकस करें रादर देन एक आसान एडिटोरियल को जो कि पढ़ने में आसान है लेकिन यूपीएससी में हम लोगों को ज्यादा रिजल्ट देगा नहीं, राइट। तो इसीलिए मैं इकोनॉमी के सेक्शन हमेशा एडिटोरियल लेने की कोशिश करता हूं। आज भी हम लोग एडिटोरियल के सेक्शन को इसको पढ़ेंगे, समझ में आए या ना आए उसको सुनना जरूर, देखना जरूर, जो यहां पे आपको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको जरूर फॉलो करना। अरे 2-4% समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आएगा ना, अवॉइड आप कर नहीं सकते क्योंकि देखिए यूपीएससी में इकोनॉमी बहुत मेजर टॉपिक होता है, तो अवॉइड करना तो भैया आज नहीं करोगे तो 2 महीने बाद करना पड़ेगा, तो अवॉइड करने वाला तो यहां पे स्कोप है ही नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, इकोनॉमी वाले सेक्शन से रहेगा, इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। अगला करेंगे इंडिया इजराइल रिलेशन के बारे में, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में कवर करवा के चलूंगा। यहां पे क्यों ये न्यूज में है थोड़ा सा उसको देख लेंगे एक बार हम लोग, तो वो यहां से कर लेंगे। पेज नंबर 11 से हम लोग करेंगे क्राइसिस इन अफ्रीका, ये भी बिल्कुल 2 मिनट का टॉपिक है, मैप बेस्ड टॉपिक है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन से आपको पूछ सकता है। उसके अलावा एक्सप्लेनर सेक्शन वाले ये बहुत जबरदस्त है, इसको करने में मजा आएगा और मेंस के पर्सपेक्टिव से यहां से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीवियसली पूछा भी जा चुका है यहां से क्वेश्चन यूपीएससी में, दोबारा भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये दोबारा से न्यूज में है, क्योंकि मोदी जी ने अभी एक कॉन्फ्रेंस किया था, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीटिंग किया था, एक्चुअली कॉन्फ्रेंस नहीं था, और तब जो है उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली कि टॉपिक दोबारा से न्यूज में आ गया है। पूरा मामला क्या है टॉपिक में देखेंगे। उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक आज बहुत जबरदस्त आए हैं, थोड़ा सा आपको बता दूंगा, सेल्फ रिकमेंड मतलब पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए तो लेट्स मूव ऑन, लेकिन हम रोज की तरह देखते हैं कि आज ऐसा क्या खास हुआ था हमारे देश में। देखिए हमारे देश में ना दो तरह की चीजें हुई थी। पहली बात तो आज के दिन जो है हिमाचल का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हिमाचल, आज के दिन हिमाचल को बनाया गया था, ठीक है। उसके अलावा 1565 में बैटल ऑफ टालीकोटा हुई थी, याद रखना आपकी हिस्ट्री से काम आएगा, बैटल ऑफ टालीकोटा। देखिए जूम करके दिखाता हूं, ये जो आपको थोड़ा सा पिंक कलर में नजर आ रहा है ना, ये विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर, इवन कालीकट ये भी विजयनगर एम्पायर की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, इवन श्रीलंका भी विजयनगर एम्पायर की कुछ समय के लिए ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, ठीक है। विजयनगर एम्पायर को, और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये डेक्कन सल्टनेट है, तो डेक्कन सल्टनेट ने जो है वो विजयनगर एम्पायर के ऊपर अटैक किया था, दोनों के बीच में भीषण लड़ाई हुई थी टालीकोटा में, और उस समय विजयनगर हार गया था। सो दैट वॉज द एंड ऑफ विजयनगर इन 1565, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में विजयनगर एम्पायर वगैरह के बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट, इसकी जो कैपिटल थी वो थी हम्पी, है ना। चलिए कुछ पूछ लेता हूं आपसे क्वेश्चन। उस समय एक चाइनीज एक जो है ट्रैवलर आए थे हम्पी में, और उन्होंने कहा था हम्पी के बारे में कि मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं लेकिन हम्पी जैसा शहर मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया, इतनी शान शौकत, इतनी बड़ी सड़कें, इतना एजुकेशन का लेवल, आर्ट कल्चर इतना रिच था ना हम्पी में, कहीं पे भी दुनिया का उसका मैच नहीं था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं तो अवेलेबल नहीं था उस समय में, चाइनीज ट्रैवलर ने ऐसा कहा था, उसका नाम थोड़ा बता दोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहली न्यूज है पाकिस्तान से, अच्छी न्यूज है इन द सेंस अगर इसको इंप्लीमेंट किया गया तो। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो वहां पे हिंदू काउंसिल है, जिसे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल कहा जाता है, ठीक है, उसने एक प्रपोजल दिया है, और उस प्रपोजल में यह कहा है कि भैया भारत की सरकार मतलब इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है ना, उसको एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने कहा है कि इंडिया की सरकार पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को, मुस्लिम्स को और सिखों को, उनको वीजा दे, उनको ट्रैवल करने की परमिशन दे,
ताकि वो इंडिया में आके पिलग्रिमेज कर सकें। रेडी दिस पॉइंट, तो मतलब जो रिलीजियस जो साइट्स होती हैं, जैसे जैसे मुआदीन चुस्ती की दरगाह हो गई है ना, जैसे ताजमहल हो गए, यहाँ पे अगर किसी को आना है, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वहाँ पे आकर किसी को प्रे करनी है तो कर सकता है। और उसके अलावा जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, अगर पाकिस्तान से हिंदू आना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, कोई सिख है अगर वो ट्रैवल करना सा चाहे तो वो भी कर सकते हैं ना। इंडिया से बहुत सारे हिंदूज, जैसे वहाँ पे पाकिस्तान में कुछ मंदिर है बहुत पॉपुलर, वहाँ पे जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने ऐसा प्रपोजल भेजा है भारत की सरकार को, अभी तक इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया है। कर सकता है अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में, लेकिन अभी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। देखिए यहां पे सरकार के सामने इस समय कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, कंफ्यूजन इन द सेंस कि देखिए वैसे भी आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो है बिल्कुल ही बॉटम पे इस समय गए हुए हैं, है ना, खासकर 2019 के बाद में जब से अटैक वगैरह हुआ था वो सब, और फिर हम लोगों ने वहां पे जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो पाकिस्तान ने क्या किया, थोड़े समय पहले श्रीनगर से शारजा की फ्लाइट को पाकिस्तान के ऊपर से जाने से मना कर दिया था। श्रीनगर से शारजा की फ्लाइट हम लोग भेज रहे थे, पाकिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया था कि भाई जाना है तो इधर उधर से जाओ, मेरे ऊपर से मत जाओ। उसके रिएक्शन में इंडिया ने भी मना कर दिया था। तो दोनों के बीच में रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और वो भी खासकर जब एक दूसरे के एयर स्पेस को बात करने की यूज करने की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा मामला है। तो ये अगर क्लियरेंस हो गया, अगर इस समय भारत की सरकार ने इसको परमिशन दे दिया, तो 1947 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि पाकिस्तान से जो लोग आने वाले हैं इंडिया में पिलग्रिमेज के लिए, वो फ्लाइट के थ्रू आएंगे। अभी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं अभी नहीं आते हैं, लेकिन अभी जो आते हैं ना वो लैंड रूट के थ्रू आते हैं, फ्लाइट से नहीं आते हैं। और लैंड रूट कहाँ पे, जो पंजाब के अंदर वाघा अटारी बॉर्डर है ना, वहां से आते हैं। तो वो पैदल उसको पार करते हैं, पैदल करने के बाद आगे वो बस लेते हैं, ट्रेन लेते हैं, फ्लाइट ले सकते हैं, लेकिन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं प्लेन से। पाकिस्तान के अंदर दो ऐसी साइट बताई गई हैं इस आर्टिकल में जहां पे इंडियन पिलग्रिमेज जाते हैं। एक थोड़ा सा मामला आपको बता देता हूं, देखिए श्री परमहंस महाराज मंदिर, ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है खाइबर पख्तूनख्वा में, जहां से मलाला बिलोंग करती हैं, नोबल लॉरिएट हैं यूसुफ जही मलाला, वो भी यहीं से आती हैं। अब ये जो मंदिर है ना, ये कोई इसकी कंट्रोवर्सी बहुत पुरानी है। देखिए 1947 से पहले ये अच्छा खासा मंदिर हुआ करता था। 1995 में, देखिए जब 1947 में जब बंटवारा हुआ, तो वहाँ के जो मोस्टली जो हिंदूज थे उस गांव के, बेसिकली टेरी जो जगह है वहाँ पे गांव है, उस गांव से मोस्टली हिंदूज वो इंडिया में वापस आ गए थे। तो वो जो मंदिर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बाद में 1995 में उस मंदिर के ऊपर अटैक किया गया, उसको तोड़ फोड़ दिया गया, बाद में उसको रेनोवेट किया गया, फिर से उसको तोड़ा गया, और 2015 की मेरे ख्याल से ये बात है, 2015 में दोबारा से उसको बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला गया, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बनाया जाए, रेनोवेट किया जाए। अगर क्या हुआ वहां पे, हिंदूज नहीं रह रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रिलीजियस साइट को तोड़ दोगे, ऐसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो 2015 में इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया, लेकिन पिछले साल मतलब 2022 में इसको दोबारा से तोड़ दिया गया। बहुत लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और उन्होंने इसकी दीवारों को तोड़ दिया। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा कंडेमिनेशन किया गया। जब इंटरनेशनली भैया इतना गाली गलौच हुआ पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की सरकार ने इसको दोबारा से रेनोवेट किया, तो वहाँ पे मंदिर ये बनाया गया, अच्छा खासा मंदिर बनाया गया। और पिछले साल मतलब 2021 में 200 के लगभग पिलग्रिमेज फ्रॉम UAE, हिंदू पिलग्रिमेज की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रॉम USA, फ्रॉम इंडिया से तो खैर ज़्यादा नहीं गए थे, वो वहाँ पे गए और उन्होंने प्रे किया। तो ये पूरा जो है उस मंदिर की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। ये परमहंस महाराज मंदिर बहुत पॉपुलर मंदिर है, 100 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। महाराज परमहंस जी के बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए ज़्यादा वो कुछ पूछेगा नहीं एग्जाम में, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, क्या बोलेगा, बोलेगा श्री परमहंस महाराज मंदिर वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, दिस मंदिर लाइज इन पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। और अगर आपको इसकी न्यूज़ आपकी आंखों से निकल गई तो आप कंफ्यूज, एग्जाम में उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो परमहंस महाराज जी जो है वो बिहार में पैदा हुए, बिहार में पैदा होने के बाद उनके पिताजी जो है वो भी बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, और उनकी माता जी भी विद्वान हुआ करती थी, लेकिन उनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद ये पढ़ने लिखने में लग गए, और बहुत सारी लैंग्वेज का इनको ज्ञान हुआ, अरबी की इनको आती थी, संस्कृत आती थी, हिंदी आती थी, पर्शियन आती थी, बहुत विद्वान हुआ करते थे। बाद में इन्होंने वहाँ पे गए, ये पाकिस्तान वाले उस एरिया में, तब तो पाकिस्तान ही हुआ करता था ना, इंडिया ही हुआ करता था सब,
तो वहाँ पे गए, वहाँ पे इन्होंने एक मंदिर बनाया और वो मंदिर बनाया, और उसके बाद जो है जब इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ होने के बाद उस मंदिर के बगल में ही एक और रूम बना दिया गया, और जिस रूम में जो है इनकी समाधि को रखा गया, तो जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हो। फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर इनको कहा जाता है। ठीक है, सेकंड मास्टर भी जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, शुरुआत की थी। रामनवमी के दिन पैदा हुए थे तो इनको राम याद भी कहा जाता है, भी इनका अलग से नाम आप देख सकते हो। तो 1919 में, मतलब समझ लीजिए 100 ईयर्स पहले जो है इनका निर्वाण हुआ, इनकी डेथ हुई, उसके बाद यहाँ पे एक अलग से मंदिर बना दिया गया। फिर बाद में वो 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता ही चुका हूँ, है ना, वो सारी चीज़ें हुई। तो अभी भी ये काफ़ी मंदिर जो है बहुत जाना माना मंदिर है, लोग जाते हैं वहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए। उसके अलावा कराची में एक मंदिर है हिंगलाज माता मंदिर, यहाँ पे भी पिलग्रिमेज जाते हैं। तो इस समय जो ऑफर आया है, अगर इंडिया की सरकार इसको ऑफर को अडॉप्ट कर लेती है, तो पाकिस्तान के पिलग्रिमेज हिंदू सिख और मुस्लिम्स वो इंडिया में आ सकते हैं फ्लाइट के थ्रू। और इंडिया के पिलग्रिमेज जिसको करना है, जो श्रद्धा रखते हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी पाकिस्तान में जाके उनको मतलब दर्शन कर सकते हैं और माथा टेक सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा एक क्योंकि अभी भी देखिए जो करतारपुर जो कॉरिडोर है उसको भी ओपन किया गया है बहुत शानदार तरीके से, राइट। और सिख लोग जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान माथा टेकने के लिए करतार, वहाँ पे करतारपुर में गुरुद्वारे के अंदर, राइट। तो इस तरह का इनिशिएटिव आप ले सकते हो। डेफिनेटली कल्चरल एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, और हमारा तो कल्चर इतना ज़्यादा मिला जुला है ना, आप उसको अलग कर ही नहीं सकते। तो ये जो पीपल टू पीपल कल्चरल जो रिलेशन होगा, तो शायद इसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन भी और बेटर डेफिनेटली हो सकते हैं। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी। अगली जो न्यूज़ आती है, इंडिया इसराइल मार्क अ मेजर माइलस्टोन। मेजर माइलस्टोन का मतलब यहाँ पे है कि भैया 1992 में पहली बार इसराइल ने इंडिया के अंदर अपनी एम्बेसी को एस्टेब्लिश किया गया था प्रॉपर तरीके से, ठीक है, एकदम फॉर्मल तरीके से। और अभी उसके हो गए हैं 30 साल, तो 30th एनिवर्सरी है। और भैया जब 30th एनिवर्सरी होती है तो जश्न मशन और सेलिब्रेशन तो बनता ही है, तो हम लोगों ने भी सेलिब्रेशन किया। और उस सेलिब्रेशन का हम लोगों ने कॉमन लोगो, ठीक है, उसको रिलीज किया। कॉमन लोगो के अंदर क्या है, देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है ये डेविड का निशान है, ठीक है, जो कि ज्यूज मानते हैं। और ये जो आपको देख रहे हैं अशोक चक्र है, तो ये कॉमन लोगो इन्होंने बनाया है वो अपनी फ्रेंडशिप को लेके। इंडिया इसराइल के रिलेशन जो है वो हमेशा से बहुत अच्छे नहीं थे, इन द सेंस के बुरे तो नहीं थे, अच्छे इन द सेंस में ये कह रहा हूँ कि देखिए जब कोल्ड वॉर का समय हुआ करता था तो एक तरफ USA हुआ करता था, एक तरफ USSR, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के समय में यू नो इसराइल वॉज वेरी क्लोज टू USA एंड इंडिया वॉज नॉट क्लोज टू USA, इंडिया वॉज मच क्लोजर टू USSR। तो डेफिनेटली इसराइल के साथ भी हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे। हाँ, कल्चरली बहुत सारे ज्यूज इंडिया में रहते थे, उसकी वजह से कि हमारा रिलेशन था इसराइल के साथ, बट पॉलिटिकली और जियोपॉलिटिकली वी वर मच क्लोजर टू USSR। लेकिन जब बाद में कोल्ड वॉर का एंड हुआ 1991 में, जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया पूरी तरह से, उस समय फाइनली 1992 में इंडिया में जो है इसराइल ने अपनी एम्बेसी को एस्टेब्लिश किया, और तब से हमारे रिलेशन बहुत ज़बरदस्त हैं। हालांकि 1992 के बाद भी रिलेशन, देखिए ऐसा नहीं होता ना कि आज कोई आपका दोस्त बन गया, दो दिन बाद वो गहरा मित्र हो जाएगा। गहराई बढ़ने में समय लगता है, और वो गहराई अभी भी बढ़ रही है। 2014 के बाद से वो गहराई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जब से मोदी जी ने इसराइल की यात्रा की थी। तो अभी तो हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हो गए हैं, मतलब डिफेंस वाले सेक्टर में भी हम लोग इन्वॉल्व हैं। इवन 1999 में जब पाकिस्तान और इंडिया का वॉर, कारगिल वॉर हुआ था, उस समय इसराइल ने काफ़ी इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराई थी इंडिया की फोर्सेज को, जो कि बहुत क्रूशियल रहा था वॉर को जीतने में। तो रिलेशन तो है अभी हमारे गहरे। देखिए पाकिस्तान और इसराइल जो है वो कट्टर दुश्मन है, ठीक है। अगर आप जैसे क्या होता है ना, अगर आप इंडिया के पॉलिटिकल रैली को देखते हो, तो इंडिया में हालत आजकल ऐसी है, चाहे भैया किसी मेयर का इलेक्शन क्यों ना रहा हो किसी सिटी में, वहां पर भी पाकिस्तान का मुद्दा उठाया जाता है। कोई लोकल इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो, कोई किसी सिटी का इलेक्शन हो, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो, कोई स्टेट का इलेक्शन हो, मतलब आप जनरल का तो सोच ही नहीं सकते हो, हर इलेक्शन का हमारा यहाँ मुद्दा क्या होता है, पाकिस्तान होता है, ये आप सब देखते ही हो। उसी तरह से पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे दो मुद्दे सबसे ज़्यादा होते हैं, एक मुद्दा होता है इसराइल का और एक मुद्दा होता है इंडिया का। पाकिस्तान इंडिया को और इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। पाकिस्तान में एंटी सीमेटिक, मतलब एंटी ज्यूज आप समझ सकते हो, सेंटीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसा कभी के जमाने में जर्मनी में हुआ करता था, इस समय पाकिस्तान में भी वही है। अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का भाषण सुनोगे ना, वो ज्यूज के अगेंस्ट में ना एकदम आग उगलते हैं अपनी इलेक्शन रैलीज वगैरह के अंदर।
तो वो माहौल है। तो इसराइल ने बहुत हेल्प किया था 1999 में भी, खासकर हमारे रिलेशन उसके बाद जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए, क्योंकि इसराइल में दुनिया का सबसे एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम है, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया एग्रीकल्चर वगैरह में, इरिगेशन में खासकर। और फिर बाद में हम लोगों ने डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना स्टार्ट किया इसराइल से, और आजकल तो हम लोग आईटी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। तो बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कभी कोई एडिटोरियल आएगा इंडिया इसराइल के रिलेशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, बुर्किना फासो न्यूज़ में है, क्या मामला वहां पे पूरा चल रहा है, ये आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं कि जो आपको ये साहेल रीजन है, साहेल रीजन इसको बोलते हैं, ये ऊपर वाला सहारा है, नीचे वाला साहेल है, साहेल और सहारा रीजन में जो है भैया वो क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, खासकर आईएस और अलकायदा और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो पूरा एरिया है ना वो एकदम टेररिज्म से पूरी तरह से ग्रस्त है। अब माली, चाड, बुर्किना फासो, घाना, नाइजर, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेररिज्म है, और यूरोपियन फोर्सेस, खासकर फ्रांस जो है उनकी फोर्सेस यहाँ पे लड़ भी रही हैं, तो ये तो अलग मामला है। अगर आपको पढ़ना है तो गूगल वगैरह पे पढ़ सकते हो कि वहाँ पे टेररिज्म जो है किस तरह से बढ़ रहा है। बट अभी बुर्किना फासो न्यूज़ में है, क्योंकि बुर्किना फासो के जो भाई साहब हैं, प्रेजिडेंट हैं मिस्टर कोब, इन्होंने ये जब पार्टी में जीत के आए थे, इलेक्शन जीत के आए थे, तो इन्होंने कहा था कि मैं बुर्किना फासो से जो है टेररिज्म का खात्मा कर दूंगा, और ये जो टेररिस्ट फोर्सेस हैं इनको मैं पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, करप्शन के चार्जेस वगैरह इन पे लगे, बहुत हालत ख़राब है। तो इस समय क्या हुआ, वहाँ पे कुछ आर्मी के जवान, कुछ ऑफिसर्स वगैरह ने मिलकर वहाँ पे मिलिट्री कूप कर दिया और इनको बना लिया बंदी। इस समय बंदी बने हुए हैं, वहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं है, वहाँ पे जो मीडिया हाउसेज वगैरह हैं सबको लगभग बंद कर दिया गया है, तो बहुत प्रॉपर न्यूज़ भी हमें वहाँ पे नहीं मिल पा रही है। लेकिन बुर्किना फासो जो है वो थोड़ा सा इसलिए न्यूज़ में है, आपको क्या पूछेगा वो एग्जाम में, देखिए बुर्किना फासो के आसपास कौन कौन सी कंट्री है ये आपको पता होना चाहिए, किसके साथ वो बाउंड्री शेयर करता है। ऊपर आपका माली आ गया, नाइजर, ठीक है, बिनिन, टोगो, घाना और कोट, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 कंट्री के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा एग्जाम के लिए कोई ये चीज़ रेलेवेंट नहीं है। अगर आपको इंटरनेशनल न्यूज़ में थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, फिर आप यूट्यूब वगैरह पे कोई ना कोई वीडियो देख सकते हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन अफ्रीका, ठीक है। एक यूट्यूब पे बड़ा चैनल है, आई होप ये उसका नाम सही हो, पॉलिटिक करके है वो, सी नहीं है, के है यहाँ पे, ठीक है। वो इंटरनेशनली न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त बताते हैं, डिटेल में बताते हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो कभी कभार जो है इसकी वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो, टर्की में क्या चल रहा है, अफ्रीका में क्या चल रहा है, साउथ चाइना सी एंड ऑल दैट, बहुत अच्छे से बताते हैं। पॉलिटिक तो मुझे याद है, आगे पीछे मुझे याद नहीं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ ही जाएगा, यूट्यूब इज़ वेरी स्मार्ट। चलिए, डीलिंग विद द मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जब कोई चीज़ें सर्टेन नहीं होती, पक्की नहीं होती, कन्फ्यूजन होता है, चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। जैसे यूपीएससी भी अनसर्टेन है, यूपीएससी में आप कुछ नहीं कह सकते, हर साल कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जैसे एसए में है ना, इस बार पूरे फिलोसफिकल था, तो अनसर्टेनिटी मतलब आप पक्के से नहीं कह सकते हो। और मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है ये भी आपको पता है, हमारे पास तीन होती हैं वैसे तो, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो, और बीच में एक और भी होते हैं वैसे तो, मीजो। तो मीजो को तो आप कभी अरबी छोड़ ही दो। तो आप जो 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ते हो, यहाँ पे दो एनसीईआरटी हमारे पास है, एक है माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक में हम छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमी के में वो डिसीजन होते हैं वो जो छोटे बिजनेस को और इंडिविजुअल को इंपैक्ट करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक में वो मुद्दे लिए जाते हैं जो कि पूरी कंट्री को इंपैक्ट करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ठीक है, ऐसी चीजें मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। आपकी दुकान है, आपने कहीं से सामान खरीदा, आपने कोई स्टॉक मार्केट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट किया, आपने कोई सेविंग अकाउंट ओपन किया, ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट होती है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो हमारे कंट्री का इस समय अनसर्टेनिटी चल रही है, लेकिन इस एक छोटे से आर्टिकल के अंदर आपको जो है कम से कम 12 से 15 टर्म देखने को मिलेंगी। तो द हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने का यही तरीका होता है। देखिए, दो तरह के बच्चे हमारे यहाँ पे मिलेंगे आपको, एक बच्चा आपका एस्पिरेंट ऐसा मिलेगा जो कि इस आर्टिकल को यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा और यहाँ पे जाके खत्म करेगा, धड़ 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 करके पढ़ता रहेगा, और उसका बाद में जो है समझ में कितना आएगा, 5%। एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो यहाँ से उसको पढ़ना शुरू करेगा और बीच में जैसे ही कोई नई टर्म उसको मिलती है जो कि उसको पहले नहीं पता था, उसको गूगल करेगा,
गूगल करने के बाद उसको एक दो आर्टिकल पढ़ के उसको समझने की कोशिश करेंगे, आपके जो सोर्सेज हैं वहां से पढ़ोगे और आपके जो नोट्स हैं उस नोट्स के अंदर उस टर्म को अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर आपको वो टर्म सामने आए तो आप अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं उसका मीनिंग जानने के लिए। तो दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक स्टूडेंट वो होगा जो इस आर्टिकल को जो है 15 मिनट में 10 मिनट में पढ़ के खत्म करेगा 5 मिनट में, एक स्टूडेंट वो होगा जो इस आर्टिकल को जो है पढ़ने में कम से कम 30 मिनट लगाएगा, 30 मिनट या 40 मिनट भी लगा सकता है क्योंकि ये टर्म वो खोजेगा अपने आप से। तो ये दो तरह के स्टूडेंट हैं, आप कौन से तरह के स्टूडेंट हैं वो आपको पता होगा, ये आपकी प्रेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इन टर्म्स का मीनिंग पहले से पता है तो अब आप इस आर्टिकल को 10 मिनट में भी खत्म कर सकते हो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको इन आर्ट का मतलब नहीं पता तो ये आर्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आपको समय देने की जरूरत है क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं, कॉल मनी मार्केट, रेपो रेट, गवर्नमेंट बॉन्ड, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल पॉलिसी, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल कंसोलिडेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, नॉमिनल जीडीपी, बजट, जेंडर बजटिंग और दो चार तो मैंने लिखे ही नहीं, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो गए अपना मोबाइल ना तोड़ दें, दो चार मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपका जो इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमी जो आपका सब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें आपको पता होती हैं वहाँ पे। अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो अपनी 12th स्टैंडर्ड की माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वाली कह रहा हूँ मैं, यहां से भी बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। तो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका यह होना चाहिए आपका, पहले टर्म्स क्लियर करो, हमेशा की बात बोलता हूं, जब तक इकोनॉमी के टर्म्स का मतलब आपको नहीं पता होगा इकोनॉमी के एडिटोरियल भी शायद आपको उतने समझ में ना आए। तो ये तो मेरे हो गए आपके सजेशंस, अब बढ़ते हैं एडिटोरियल के ऊपर, ये एडिटोरियल क्या कहता है। देखिए एडिटोरियल ने शुरुआत की है फेडरल रिजर्व से, मतलब अमेरिका के सेंट्रल बैंक की बात कर रहा है वो, और फिर इसने बात की है आरबीआई को लेकर। यह आर्टिकल मैं आपको पहले ही बता चुका, देखिए होता क्या है, जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट होती हैं बैंकों के अंदर और जो इंडिया में इंटरेस्ट रेट होती हैं, इनका एक बिल्कुल खास रिलेशन होता है, किसके साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ। आप एक बात सोचिए, अगर अमेरिका के बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम होगा, मान लीजिए ऊपर वाला यूएसए वाला है, नीचे जो है इंडिया वाला है, अगर अमेरिका के बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम है और इंडिया के बैंकों में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो इन्वेस्टर को तो फायदा है ना इंडिया में इन्वेस्ट करने का, वो भैया अमेरिका की मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेगा जब उसको इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अमेरिका के जो वहां का फेडरल बैंक है वो उसके इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है, तो इन्वेस्टर पता क्या करते हैं, इन्वेस्टर इंडिया से अपना पैसा निकाल के अमेरिका में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। जब उनको इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमेरिका में मिलता है तो अमेरिका में करते हैं। तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है वहां का जो फेडरल बैंक है वो डायरेक्टली इंडिया की इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं बेसिकली। तो हो क्या रहा है, जब से ये COVID-19 पेंडेमिक चला था, इवन 2008 के क्राइसिस के बाद से ही, खासकर COVID-19 के समय में हुआ ये कि अमेरिका का जो फेडरल बैंक है ना, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट लगभग 0% कर दिया है, लेकिन इंडिया में तो जीरो नहीं है, इसीलिए इंडिया में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आ रही थी क्योंकि इन्वेस्टर को इंडिया में रिटर्न मिल रहा था। लेकिन अभी यूएस फेडरल रिजर्व ने हिंट दिया है कि अपनी कंट्री में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट यही होगा कि इंडिया से इन्वेस्टमेंट बाहर जाना शुरू हो जाएगा। तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को भी अपनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करनी पड़ेगी। मान के चलिए अभी यूएसए में जो इंटरेस्ट रेट है वो 0% है और इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो जो है 4.5% है, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर फ्यूचर में यूएसए में मान लो इंटरेस्ट रेट 1% हो गया तो इंडिया में इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, यहां पे भी आपको 5.5% या 6% करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो इन्वेस्टमेंट सारी यूएसए में चली जाएगी। सो दिस इज हाउ यू, जो आपका आरबीआई है ना, ये प्रेशर को यू नो रिलीज करता है, ये सिचुएशन को हैंडल करता है। लेकिन इंडिया में इस समय क्या पॉलिसी है, इंडिया में इस समय है अकोमोडेटिव पॉलिसी है, अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव पॉलिसी का मतलब यह है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को काफी कम किया हुआ है। और आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम क्यों करती है, आरबीआई इंटरेस्ट कम इसलिए करती है ताकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाए। सीधी सी बात है भाई, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, हनीमून लोन, दुनिया भर के लोन होते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मनी सप्लाई बढ़ती है, और जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और दोस्तों जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी ग्रो करती है, सारा खेल डिमांड ग्रो डिमांड का ही तो है। तो इसीलिए आरबीआई ने COVID-19 के समय में यह सिचुएशन किया हुआ था। लेकिन अगर बाई चांस आरबीआई ने फेडरल बैंक ने यूएसए में अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया तो इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि हमारे यहां पर मनी सप्लाई को कम करेगा,
मनी सप्लाई को कम करेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो ग्रोथ भी कम होगी। तो आने तो ये पूरी का पूरा जो मैंने अभी बताया है इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, इसका क्रक्स यही निकलता है कि बाई चांस अगर यूएसए में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो उससे इंडिया की जीडीपी भी डिक्रीज होगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक दो चीजें हो रही हैं, जैसे WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, और GNPA मतलब ग्रोस आपका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो सब ग्रोस। ऐसा RBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया में जो GNPA है वो 9.5% होने वाला है सितंबर 2022 में, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6.9% था सितंबर 21 में। एक साल के अंदर अंदर जो है हमारा जो ग्रोस आपका जो एसेट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो उसका परसेंटेज इंक्रीज होने वाला है, मतलब बैंकों की हालत खस्ता होने वाली है, मतलब हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो, ठीक है। WPI भी काफ़ी ज़्यादा है 13%, हालांकि CPI ओनली 5% है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये इससे देखिए CPI जो है अभी हेल्दी रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन WPI जो है वो हेल्दी रेंज से ऊपर जा चुका है। तो ये भी टैकल करना है RBI को, और इसको टैकल करने के लिए RBI को अपने इंटरेस्ट रेट को जो है अकोमोडेट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। उसके अलावा जो बॉन्ड यील्ड है वो भी इंक्रीज हो गई है। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है? देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, आपके इकोनॉमी का टॉपिक है। गवर्नमेंट बॉन्ड दोस्तों कुछ नहीं होता, एक पीस ऑफ पेपर होता है। इस पीस ऑफ पेपर के हिसाब से गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट को जब भी पब्लिक से मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ता है ना, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है। तो उस जैसे मान लो आप यहां पे हो, आपके पास सपोज करो 1000 करोड़ रुपए हैं और सरकार को 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो सरकार जो है वो एक बॉन्ड इशू करेगी 1000 करोड़ के लिए। आपके पास 1000 करोड़ रुपए आप सरकार को दोगे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 15 साल के लिए। बाद में जब वो मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है तो सरकार आपसे वो बॉन्ड वापस ले लेती है और आपको इंटरेस्ट रेट वापस कर देती है। इसे कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। कुछ कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। तो इट इज जस्ट लाइक ए पीस ऑफ पेपर, सरकार ने आपको पेपर दिया जिसे बॉन्ड कहते हैं, आपने सरकार को पैसा दिया। अब वो जो इंटरेस्ट रेट है इस समय वो काफी हाई चल रहा है, ठीक है, उसे हम लोग बॉन्ड यील्ड कहते हैं। यील्ड मतलब जो आप उसके ऊपर पैसा कमाते हो, इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, वो भी काफी ज्यादा है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा बॉन्ड के ऊपर, उतना ही सरकार को पैसा उधारी लेना मतलब बोरो करना महंगा पड़ता है, क्योंकि सरकार को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो इसकी वजह से भी सरकार मार्केट से पैसा बोरो नहीं कर पाएगी। उसके अलावा जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट है वो भी लगभग 10% के लगभग चल रहा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जो आपको सरकार को पैसा देना है, जो लेना है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है बेसिकली, दैट इज द फिस्कल डिफरेंस, मतलब आमदनी और खर्चा, ठीक है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है डिफरेंस, उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो फिस्कल कंसोलिडेशन सरकार नहीं कर सकती इस समय। अगर सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन करेगी तो हमारी ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो सर ये फिस्कल कंसोलिडेशन एक और टर्म आ गई। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है जब सरकार अपने कर्जे को कम करने की कोशिश करती है, जो सरकार के ऊपर कर्जा होता है, डेट होता है। और सरकार कर्जे को कम कैसे कर सकती है? लेस बोरोइंग करके, और तो कोई तरीका नहीं है ना भैया। कर्जे को अगर टैकल करना है तो सबसे बड़ा एक ही हथियार है, आप पैसा उधारी मत लें। उधारी ना नहीं लोगे तो कर्जा भी नहीं चढ़ेगा, लेकिन सरकार को उधारी लेनी पड़ती है क्योंकि सरकार को हेल्थ पे खर्चा करना है, एजुकेशन पे खर्चा करना है, प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, तो सरकार को बोरो करना ही पड़ेगा। सरकार अगर बोरो नहीं करेगी तो एम्प्लॉयमेंट भैया कैसे जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो लोगों की जो है वो पर कैपिटा, मतलब उनकी जो है परचेसिंग पावर कैसे बढ़ेगी, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? तो सरकार इस समय फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं कर सकती, मतलब लेस बोरोइंग नहीं कर सकती है, सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। इवन कोविड के समय में तो सरकार को एक्स्ट्रा बोरोइंग करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको वैक्सीनेशन पर भी खर्चा करना, हेल्थ सेक्टर के ऊपर आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। तो सरकार जो है फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं कर सकती। इस आर्टिकल के अंदर यही बताया गया है कि सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने चाहिए, कम नहीं करने चाहिए, क्योंकि सरकार खर्चा बढ़ाती है, गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग होती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और इस समय हमें वही सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट इस समय देश में काफी हाई है, तो सरकार को जो है ये जो अकोमोडेटिव पॉलिसी है ना, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अकोमोडेटिव पॉलिसी में ऊपर आपको बता ही चुका हूं, अकोमोडेटिव पॉलिसी का मतलब होता है लो इंटरेस्ट रेट। लो इंटरेस्ट रेट जब होता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, मनी सप्लाई जब इंक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी ग्रो करती है। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली यही एक कंक्लूजन दिया गया है कि सरकार को अपनी अकोमोडेटिव पॉलिसी उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। उसको कंटिन्यू रखेगी सरकार तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रह सकता है और एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो जनरेट होगा,
ऐसा इसके अंदर बताया गया है। तो देखिए, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया, 5% 10%, क्योंकि ये जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी ना, तब तक इस आर्टिकल को आप 100% नहीं समझ पाओगे। लेकिन ये काम आपका है, ठीक है। 5-7 मिनट में जितना मैं करवा सकता था वो इतना ही हो सकता है, क्योंकि इस टॉपिक को मैं आपको अलग अलग से करवाऊंगा तो ये पूरे 2 दिन का टॉपिक है। ये सारे टॉपिक ना आपको 2 दिन में होते हैं, समझ रहे हो। तो 5-7 मिनट में इतना ही हो सकता है न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। अभी आपका काम है, आप घर जाइए, अपनी नोटबुक उठाइए, गूगल करिए, आपके जो नोट्स हैं वहाँ से उठाइए, हर चीज़ को पढ़िए, समझिए। समझने के बाद अभी इस आर्टिकल को दोबारा से पढ़िए, तब आएगा मज़ा, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए, यही तरीका होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 आर्टिकल हैं, दोनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि दोनों का जो है मेन कॉन्टेक्स्ट वो सेम ही है, सो इसलिए आई हैव कंबाइंड बोथ ऑफ देम। अब इसमें क्या होता है, देखिए मोदी जी जो है, अभी देखें आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑल दैट। तो बहुत सारे प्रोग्राम सरकार चला रही है, इनिशिएटिव ले रही है आज़ादी के महोत्सव को लेके। तो ऐसे ही किसी मीटिंग में मोदी जी जो है वो ब्रह्म कुमारी के किसी मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ कही कि हमारे जो कर्तव्य हैं, ठीक है, जो ड्यूटीज़ हैं लोगों को, वो भी फॉलो करनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने आज़ादी के बाद फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर कम फोकस किया, जिसकी वजह से इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो वीक हो गई है। तो मोदी जी का ये कहना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर भी उतना ही फोकस होना चाहिए जितना फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होता है। और ये जो डिबेट है वो कोई नई डिबेट नहीं है, बहुत पुरानी डिबेट है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय बीआर अंबेडकर, नेहरू जी और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है बहुत अच्छे से डिटेलिंग में डिस्कशन किया था। आज़ादी के बाद भी हमेशा डिस्कशन होता रहता है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ऑब्जर्वेशन दिया है और हमेशा यही कहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल ड्यूटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा यही कंक्लूजन निकला है। तो बार बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कही गई, और वैसे भी हमारे इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल ड्यूटी था ही नहीं, ये तो हम लोगों ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 1976 में, स्वर्ण सिंह कमेटी की जो है रिकमेंडेशन पे, इमरजेंसी के दौरान बेसिकली इंदिरा गांधी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, उनका अपना पर्पस था, वो अलग चीज़ है, तब हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। और हमारे यहाँ पे जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो 2002 में हम लोगों ने एक और ऐड की थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद एजुकेशन वाली, उसके अलावा 10 हमारे पास पहले थी ही। तो ये हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी है। अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हर शब्द, हर सेंटेंस आपको रटा होना चाहिए, आंख बंद करके अगर कोई आपसे पूछे रात को सोते हुए, जिस टाइम मर्जी आप अपनी शादी में जो है बैठे मंडप पे, आपको पूछे हाँ भैया फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 6 बताओ, आपको पता होना चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में एज इट इज पूछ ली जाती हैं, ठीक है, याद रखना इसको। खैर, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया, वो सारी सारी चीजें जो हैं, लेकिन आपको ये पता है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो जस्टिफिएबल होते हैं, आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो जस्टिफिएबल नहीं होती। अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को आप फॉलो करो या ना करो, उसके लिए आपको सजा नहीं मिलेगी। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी एब्सोल्यूट होती हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो जो है सिटीजन्स के लिए और फॉरनर्स के लिए अलग अलग जो है, कुछ अलग अलग भी होते हैं, कुछ ओवरलैप भी करते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही होती हैं, ठीक है। फॉरनर्स उसको एक्सेप्ट करें ना करें, भैया उनकी मर्जी है, ऐसा कोई खास वो नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में कई बार अलग अलग वर्डिक्ट आए भी हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंप्लीमेंट करने की बातें वो सब चलती हैं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। मैं भी कानून का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, जितना हल्का फुल्का हमें लक्ष्मीकांती 2000 से इन्फॉर्मेशन मिलती है उतना ही हम लोग आपको बता पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या कुछ ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, देखिए ये जो 10 ड्यूटी हैं वो तो अलग हैं, इसके अलावा एज अ सिटीजन होने के नाते भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं सोसाइटी के लेके। देखिए, जिस सोसाइटी में अगर आपको रहना है तो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा रिटन फॉर्म में हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आपको अपने माता पिता की इज्जत करनी है, ये कोई रिटन रूल थोड़ी है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है, फर्ज बनता है। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं आप उसकी इज्जत करिए, उसको चाय पानी पूछिए, ये आपकी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है ये,
और ना ही उसका राइट है जो आदमी आपके घर में मेहमान आ रहा है, ये आपकी ड्यूटी है, अनरिटन है। तो बहुत सारी जो ड्यूटीज होते हैं वो डेफिनेटली अनरिटन होती हैं, एक सोसाइटी में रहने के नाते आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो सोसाइटी आपको बेदखल कर देगी, भागो यहां से। आर गेटिंग दिस पॉइंट? बड़ों की इज्जत करो, बच्चों की इज्जत करो, किसी को गाली गलोच मत करो, किसी को चलते हुए रास्ते में थप्पड़ मत मारो, ये सब आपकी फंडामेंटल, ये आपकी ड्यूटीज है ना। आप जो है अपना टैक्स पे करिए, ये आपकी ड्यूटी है टैक्स पे करना, ठीक है। वायलेंस मत कमिट कीजिए अपने फेलो सिटीजन्स के साथ, चलते हुए किसी को गाली मत दीजिए, थप्पड़ मत मारिए, किसी का जो है माथा मत फोड़िए, ये सब आपकी ड्यूटीज हैं। जो पार्लियामेंट ने जो कानून पास किए हैं उनको फॉलो कीजिए, ये भी आपकी ड्यूटी है, ठीक है। क्योंकि ये ड्यूटी आपको फॉलो करनी पड़ती है अगर आपको सोसाइटी में रहना है तो, और अगर आप इस ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हो तो आपके अगेंस्ट में एक्शन भी लिया जा सकता है और लिया भी जाता है। अपना टैक्स नहीं दोगे तो ये भी एक क्राइम है, किसी को थप्पड़ मारोगे ये भी एक क्राइम है, अगर आप पार्लियामेंट के द्वारा पास किए कानून को फॉलो नहीं करोगे तो ये भी आपका क्राइम है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ इस नेचर की भी हो सकती हैं जो कि इन 11 फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है, उसके बावजूद भी आपको वो फॉलो करनी पड़ती हैं, जो कि करना भी चाहिए। लेकिन बात यहां पे है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट का क्या बेसिस होता है, क्यों फंडामेंटल राइट को इंट्रोड्यूस किया गया, इसके दो कारण हैं, एंटी डिह्यूमनाइजेशन और एंटी हायरार्की। ये दो कारण है जिसकी वजह से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को इंट्रोड्यूस किया है। फंडामेंटल राइट ये एंश्योर करता है कि उस कंट्री में रहने वाले लोगों को बेसिक डिग्निटी मिले और बेसिक इक्वालिटी मिले, एंश्योर करता है बेसिक डिग्निटी और बेसिक इक्वालिटी। जैसे आप जो है अनटचेबिलिटी की बात करते हो, है ना, कितनी खराब प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी। हालांकि समाज में अभी प्रैक्टिस होती है अनटचेबिलिटी विदाउट एनी डाउट, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोला गया है, इट इज इलीगल, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज पनिशेबल ऑल्सो। तो ये फंडामेंटल राइट एंश्योर करता है कि किसी भी आदमी को जो है आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये उसकी डिग्निटी के ऊपर अटैक करता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अटैक करता है। अब बात है इक्वालिटी की, क्या सोसाइटी में सब इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, प्रोसेस चल रही है ना। एक सोसाइटी कभी भी एक दिन जाके वो जो है एक दिन वो रामराज्य नहीं हो जाता है, ये जो प्रोसेस लगातार चलती रहती है अगले 50, 60, 100 साल, 200, 500 साल ये चलती रहती है और हमेशा से चल रही है। लेकिन फंडामेंटल राइट कम से कम ये एंश्योर तो करता है कि हर आदमी इक्वल है, हर आदमी के लिए कानून बराबर है, ऐसा फंडामेंटल राइट एंश्योर करता है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये जो फंडामेंटल राइट के बेसिकली हमारे यहां पे दो प्रिंसिपल है, एंटी डिह्यूमनाइजेशन और एंटी हायरार्की। अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो अब हमारा जो कानून प्रक्रिया है सारे के सारे हम लोगों ने मोस्टली कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है, राइट। और जब ब्रिटिश रूल इंडिया में हुआ करता था, देवर द ओप्रेसर्स एंड वी वर द सब्जेक्ट्स। भैया वो मास्टर थे, हम लोग स्लेव थे, सीधी सी बात है। लोगों को बुरा लगता है ये कई बार मैं अगर हम लोग बोलते हैं, लेकिन सच्चाई यही थी, वो हमारे मास्टर थे, माई बाप थे और हम उनके सब्जेक्ट थे। वो जैसा चाहे हमें ट्रीट कर सकते थे, जिसको मर्जी चाहे गोली मार सकते थे, थप्पड़ मार सकते थे। इवन कई कम्युनिटी ऐसी थी जिसको उन्होंने क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ था, कई ट्राइब्स ऐसी थी जिसको उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब बोला हुआ था। तो एक ही देश में रहने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। लोअर कास्ट लोगों को, कई ट्राइबल कम्युनिटीज को बिल्कुल ह्यूमन माना ही नहीं जाता था। जैसे ही वो माँ के पेट से पैदा हुए तो उसको क्रिमिनल मान लिया जाता था, ये क्रिमिनल ट्राइब्स रूल उस समय हुआ करता था। तो ये डीह्यूमन कर रहा है आपको, आपको जो है आपकी जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी जो है उसको आपसे छीन रहा है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स की रिक्वायरमेंट है। फिर आप बात करते हैं एंटी हायरार्की की। तो क्या सिर्फ ब्रिटिशर्स इंडिया में ओप्रेशर हुआ करते थे? नहीं, इंडिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ओप्रेशन होता है। भैया जेंडर है, कास्ट है, रिलीजन है, इसकी वजह से भी तो लोगों को ऑपरेशन होता है ना। तुम ब्राह्मण कास्ट के हो, तुम सुपीरियर हो, मैं किसी और कास्ट का हूं, मैं जो है इन्फीरियर हूं, ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी तो हायरार्की है। कोई ब्राह्मण का बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, उसने कुछ उखाड़ा नहीं है जिंदगी में, लेकिन पैदा होते ही वो हायर हायरार्की में बहुत ऊपर चला जाता है ना। और अगर कोई किसी सो कॉल्ड लोअर कास्ट का अगर कोई बच्चा पैदा होता है उस लोअर कास्ट में, चाहे वो जिंदगी में जितना मर्जी ऊपर काम कर ले, लेकिन फिर भी सोशल हायरार्की में वो नीचे ही रहता है। लेकिन फंडामेंटल राइट ये इंश्योर करते हैं कि ये हायरार्की समाज से खत्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो कारणों की वजह से एंटी डीह्यूमनाइजेशन और एंटी हायरार्की फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में।
तो ये डीह्यूमनाइजेशन का जो है अगेंस्ट में बुलवर्क है। तो सरकार अगर कोई कभी ऐसा काम करती है, मान लो कोई सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया जिसकी वजह से लोगों का ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, तो उस समय फंडामेंटल राइट जो है वो सरकार के अगेंस्ट में काम करते हैं। बेसिकली फंडामेंटल राइट जो होते हैं ना, वो सरकार के को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, सरकार को जो है ये ऑर्डर दिया हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते। व्हाट नॉट टू डू, दैट इज अबाउट फंडामेंटल राइट, नॉट व्हाट टू डू। उसमें जो डीपीएस भी है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अब फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये दो चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी फंडामेंटल राइट होते हैं। चलिए ठीक, आपकी बात मान लिया, लेकिन आप एक चीज को सोचिए, जब आपके पास बेसिक राइट्स ही नहीं होंगे, जब आपको इक्वल सिटीजन ही नहीं समझा जाएगा, तो क्या फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो कर सकते हो? देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी सबके लिए बराबर है, लेकिन समाज में जो हायरार्की है, लोग बराबर नहीं है ना। अमीर गरीब, लोअर कास्ट हायर कास्ट, मेल फीमेल, है ना, अलग अलग रिलीजन के लोग, क्या वो इक्वल हैं? नहीं है ना। तो जब वो इक्वल नहीं है, तो आप सबको इक्वल ड्यूटीज फॉलो करने के लिए कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। तो पहले आप उनके फंडामेंटल राइट को इंश्योर कीजिए, पहले आप उनको जो है प्रॉपर उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करवाइए, पहले आप उनको जो है उनकी बेसिक डिग्निटी प्रोवाइड करवाइए, तब आप उनसे कह सकते हो कि आप जो है फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करिए। ओनली आफ्टर गारंटी टू ऑल फुल सम ऑफ द ह्यूमैनिटी, डिग्निटी, इक्वालिटी एंड द फ्रीडम, उसके बाद जो है यू कैन आस्क पीपल टू फुलफिल देयर ड्यूटी। विदाउट द मॉरल कंपास ऑफ राइट एंड देयर प्लेस इन द ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम, द लैंग्वेज ऑफ द ड्यूटीज लीड टू अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। जो इलीट क्लास होती है, जो हायर कास्ट होती है, वो हमेशा फंडामेंटल राइट के ऊपर, ड्यूटी के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि उसको पता है कि तो आप ऑलरेडी हायरार्की में ऊपर हो, है ना, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, तो आप जो लोअर स्टाटा है सोसाइटी का, आप उसको फंडामेंटल ड्यूटी के नाम पे उसको ओप्रेस कर सकते हो। लेकिन बीआर अंबेडकर, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी वर्डिक्ट में ये ऑलरेडी कहा जा चुका है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा प्रिवेल होते हैं रादर देन द फंडामेंटल ड्यूटी। अब आप एक चीज को देखिए, यहां पे मान लो हम लोग कर लेते हैं, कहता है डिवेलप साइंटिफिक टेंपर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इक्विटी एंड द रिफॉर्म। अब ये कहता है कि ये सबकी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, हो सकती है, लेकिन क्या आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो कानूनी रूप से? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या हमारी सोसाइटी में सभी लोगों के पास इतनी एजुकेशन है? क्या इतनी अवेयरनेस है कि वो लोग साइंटिफिक टेंपर की बात करें? आज भी गांव में किसी को बुखार होता है तो वो लोग झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, क्योंकि उसको आपने इतना एजुकेशन ही नहीं दिया। आप उसको कैसे कह सकते हो कि नहीं नहीं आप ये जो कर रहे हो वो इलीगल है? अरे भैया, पहले आप उसको उतना एजुकेशन दीजिए, उतनी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराइए, उसको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराइए, तब जाके वो इनको फॉलो करेगा ना। आपके बोलने से तो फॉलो नहीं कर सकता। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, होना भी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन क्या इसके लिए आप किसी को फोर्स कर सकते हो? जब तक लोगों को अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री और अपने हेरिटेज से मोहब्बत नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, क्या तब तक वो इस ड्यूटी को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। और वो प्यार मोहब्बत उसको क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको डिस्क्रिमिनेशन मिलता है सोसाइटी में, और जब तक उसको डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, उसकी पॉवर्टी के नाम पर, क्या वो आदमी अपने कल्चर और हेरिटेज की वैल्यू करेगा? नहीं करेगा। तो पहले आप उसको फंडामेंटल राइट्स एंश्योर करवाइए, उसको ये महसूस करवाइए कि इस देश में आपके अधिकार उतने ही सुरक्षित हैं जितने अंबानी के हैं, वो उतना ही ह्यूमन है, उतना ही इंसान है जितना दूसरा है, ठीक है, कोई ऊपर ऊपर नीचे नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है। जब आप उसको फंडामेंटल राइट को एंश्योर करोगे, तो वो आदमी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी डेफिनेटली फुलफिल करेगा। तो फंडामेंटल राइट्स हमेशा ऊपर होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हमेशा नीचे होती है। फॉलो करना चाहिए, चाहिए एक अलग चीज होती है, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। यही इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा, यही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हमारे बहुत सारे लीडर्स ने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इस बात को कह चुका है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अच्छा आर्टिकल है, समझ में आएगा तो मजा आएगा करने में, लेकिन अगर इस बारे में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जानना है तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, बड़ा अच्छे से बताया गया है, ठीक है, थोड़ा आप हिस्ट्री विस्ट्री जान सकते हो और इसके बारे में, अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एडिशनल है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसके बारे में डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। हम लोग क्या करते हैं ना, हल्का सा भी ठंड हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, तो दुकान वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया हमें जो है वो एंटी वो दे दो, है ना,
जो है ठंड की कोई भी दवाई हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो हम लोग इतनी ज़्यादा दवाइयाँ ले लेते हैं, एक्चुअली हमारी बॉडी के ऊपर दवाइयों ने असर करना ही बंद कर दिया है। उसके बारे में ही आर्टिकल है, ठीक है, किस तरह से ये हेल्थ क्राइसिस फ्यूचर में हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो रहा है, फ्यूचर में भी हो सकता है। देखिए ये वाला आर्टिकल जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो पढ़ो, मन करे तो छोड़ सकते हो। इस आर्टिकल को आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, इकोनॉमी वाले सेक्शन से है कि कैसे इलीगल एक्टिविटी होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में। मन करे तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ सकते हो। इंडिया नीड्स अ नेशनल विजन, ये आप पढ़ सकते हो, ये अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। तो ये पहले वाला और ये दूसरे वाला थोड़ा सा ऑप्शनल है, ये वाला आप जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा तो कुछ था नहीं हमारे पास, कम नंबर ऑफ टॉपिक कम थे लेकिन इंपॉर्टेंस थे और करने में मज़ा भी आया, आई होप आपको सुनने में भी मज़ा आया होगा। चलिए दोस्तों, दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।